हमीरपुर शहर के बीचों बीच गांधी चौक के समीप नव निर्मित सराय भवन में गत रात शॉर्ट सर्किट होने से आगजनी की घटना से फर्नीचर की दुकान को नुकसान पहुंचा है। रात के समय हुई इस घटना में दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के समय दुकान के अंदर धुआं आते देखकर पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं रात के समय सड़क के किनारे खड़े वाहनों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कई जगह निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने समय रहते आग पर काबू करके बड़ी घटना नहीं होने दी। स्थानीय दुकानदार अभिषेक गुप्ता ने अब आगजनी की घटना पर शॉर्ट सर्किट को वजह बताते हुए मांग की है कि विद्युत विभाग को मीटर तक तारें सही ढंग से पहुंचानी चाहिए और बिजली का मीटर भी बाहर ही लगाना चाहिए, ताकि आए दिन दुकानों में शॉर्ट सर्किट से हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये जो आग लगी है ये इस कारण शॉर्ट सर्किट ही रहा है। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे जितनी भी वायरिंग है सब सलगट गई है, कई साल पुरानी है। जब से ये हमीरपुर टाउन एग्जिस्ट, जब से बिजली है तब से वायरिंग ऐसी है। खंभों से स्पार्किंग होती रहती है, बस थोड़ी देर पर कंपनी आते हैं, बिजली वाले आते हैं, ठीक करते हैं, चले जाते हैं, फिर टेप लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। मतलब कोई प्रॉपर समाधान नहीं है इनके पास, एक प्रॉपर समाधान हो। और ये मीटर है, ये ज़्यादातर सबने दुकानों के अंदर लगाए हैं। कोई ऐसी पॉलिसी बने कि मीटर बाहर आए, मीटर बाहर रहें, ताकि और कवर करके रखें जैसे भी हो सकता है वो, ताकि जब भी मीटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। यूजली मीटर ही हीटअप होता है सबसे पहले, और शॉर्ट सर्किट वहीं से होता है, तो मीटर बाहर आने चाहिए। तो ऐसा है, और बस बाजार की वायरिंग जो है उसको जरा चेंज किया जाए, खंभे वगैरह जो नए तरीके से लगाए जाए, तो 47 से लगे हैं वैसे ही चल रहे हैं। दुकानदार मुनीश पुरी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को दुकानदारों के लिए कोई नीति बनानी चाहिए, ताकि आगजनी की घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। आग जैसी भयानक दुर्घटना किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। हम तो बस यही कहेंगे कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो दुकानदार, गवर्नमेंट को टैक्स इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास कि अगर किसी दुकान के साथ, दुकानदार के साथ मिसहैपनिंग होती है, कोई दुकान जल जाती है या कुछ होता है, तो उसे वो गवर्नमेंट अच्छी तरह से एड दे। और नहीं तो ऐसा होता है कि जी आते हैं 10-15-20 हज़ार रुपया दे जाते हैं, जी ये प्राथमिक सहायता ले लीजिए, उसके बाद वो बात वहीं रह जाती है और वो सहायता नहीं मिल पाती। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार, जब हम गवर्नमेंट को इतना टैक्स, जब हम इकट्ठा करके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट के लिए हम काम करते हैं, तो हमें, हमारे लिए भी गवर्नमेंट इस बारे में सोचे कि हमारे लिए अलग से फंड हो, जिसमें तो किसी आदमी की इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें वो फंड रिलीज हों।